मूवी की शुरुआत 1965 में होती है, जहां पर हमें एक बड़ी शिप दिखाई जाती है जो काफी एक्सपेंसिव शिप होती है। उस शिप में कुछ अमीर लोग डांस कर रहे होते हैं। वहीं पे एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम केटी होता है। वो उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर पा रही होती है, बल्कि वहां पे उसे बोर लग रहा होता है और वो सिर्फ एक जगह बैठी होती है और बट पजल गेम को सॉल्व कर रही होती है। थोड़ी देर बाद शिप का कैप्टन आता है और केटी को वहां से अपने साथ ले जाता है और डांस करवाता है। तभी वहां पे हम एक आउटर केबिन में एक आदमी को देखते हैं जो कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है, जो कि एक वायर इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देता है जिससे एक बारीक वायर निकलता है और उस शिप में जितने भी लोग डांस कर रहे होते हैं उन लोगों के आर पार हो जाता है, जिससे उन लोगों के बॉडी पार्ट दो हिस्सों में कट जाते हैं और सब लोग बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं। वहां पर सिर्फ केटी बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम होने की वजह से वो बच जाती है। कैप्टन के साथ जो फिर केटी उस कैप्टन की तरफ देखती है जिसके साथ वो डांस कर रही होती है। कैप्टन का फेस भी दो हिस्सों में कट जाता है। ये देख कर केटी काफी डर जाती है और पैनिक हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। हम समुद्र में एक बोट हेल्प ग्रुप को देखते हैं और ये ग्रुप समुद्र में फंसे लोगों की हेल्प करता है और वहां फंसे लोगों को बाहर निकालता है। ये ग्रुप एक शिप को बाहर निकाल रहे होते हैं और इस काम के लिए इन्हें बहुत सारा पैसा भी मिलता है और ये लोग अपने मिशन के कामयाब होने के बाद ये लोग पार्टी करते हैं। उस ग्रुप में 6 लोग होते हैं जिसमें से एक लड़की जिसका नाम एप्स होता है, बाकी लड़के होते हैं और उसमें से एक लीडर भी होता है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पे एक जैक नाम का लड़का आता है और उन लोगों से कहता है कि मैं एक वेदर मैन हूँ। वो कहता है कि मैंने एक समुद्र बीचों बीच एक शिप को फंसा हुआ देखा है, अगर तुम ये शिप निकाल लेते हो तो ये शिप तुम्हारी हो जाएगी और उस शिप में जितना भी पैसा होगा उसका मुझे 20% चाहिए क्योंकि मैंने तो शिप के बारे में बताया है तुम्हें। पहले तो ग्रुप का लीडर अपने साथियों से डिस्कस करता है। इस काम को करने के लिए सब लोग मना कर देते हैं। तब ग्रुप का लीडर कहता है कि उस शिप में जो भी मिलेगा उसके 6 हिस्से कर दिए जाएंगे, जिससे सब लोग राजी हो जाते हैं और वो काम करने के लिए हाँ बोल देते हैं। जिस पे लीडर जैक से कहता है कि मैं तुम्हें 20% नहीं दूंगा बल्कि तुम्हें मैं 10% दूंगा, अगर तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जिस पे जैक थोड़ा सोचता है और वो 10% लेने के लिए हाँ बोल देता है। वो कहता है कि मेरी एक शर्त है, वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा, जिस पे लीडर एग्री हो जाता है। अगले दिन ये लोग अपनी टॉक बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं। जब ये लोग शिप की लोकेशन को चेक करते हैं लेकिन वहां पे कोई शिप नहीं होती है, तभी वहां पे शिप अचानक से इन लोगों की टॉक बोट के सामने आ जाती है और लोगों की बोट की स्पीड ज्यादा हो जाने के कारण बोट शिप से टकरा जाती है लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगी है और ये शिप वही होती है जो 1962 में दिखाई गई थी जिसमें लोग मारे गए। और ग्रुप लीडर बता रहा होता है कि ये शिप 40 साल पहले गायब हो गई थी। जैक और ग्रुप का एक आदमी उस बोट में ही रुक जाते हैं और बाकी सब लोग शिप को चेक करने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि उसी जगह पर बट पजल गेम रखा है जहां पर केटी खेल रही थी 1965 में और वो कोई आत्मा उसे वेलकम बना देती है। ग्रुप का लीडर कहता है कि जंग लगने की वजह से फ्लोर कमजोर हो चुका है, कृपया ध्यान से चले। थोड़ी देर बाद शिप का फ्लोर टूट जाता है और ग्रुप का एक आदमी गिरने से बचता है क्योंकि एप्स उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे वो बच जाता है। एप्स को नीचे केटी दिखाई पड़ती है जिससे उन दोनों को ऊपर खींच लिया जाता है। एप्स सोच रही होती है कि वो बच्ची कौन थी, मुझे लगता है कि मेरा बहम हो सकता है और कुछ नहीं। तभी उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है जो कि बहुत अजीब बात होती है क्योंकि 1965 में डिजिटल वॉच नहीं होती। देख कर ग्रुप का लीडर कहता है कि हो सकता है हमसे पहले यहाँ पे कोई आया हो और ये वॉच उसकी यहाँ पर रह गई हो और बोलता है कि अब हमें रेस्ट करना चाहिए और सुबह होते ही शिप को यहाँ से हम ले जाएंगे। फिर सब लोग अपनी टॉक बोट में चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही जैक ग्रुप के लीडर से पूछता है कि ये शिप कैसे यहाँ पे आई होगी। तब लीडर जैक को एक दूसरी शिप की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान समुद्र में एक शिप गई थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस शिप में सारे लोग गायब हो गए थे और वो शिप आज तक समुद्र में है और वो तैर रही है। ये सुनकर कोई भी इस बात को सीरियस नहीं लेता है। जैक एप से पूछता है कि जब से तुम शिप से आई हो तब से तुम चुपचाप हो, आखिर बात क्या है। तब एप जैक को बताती है कि वो जब शिप में थी तो उसे एक बच्ची दिखाई पड़ी थी और उसके पलक झपकते ही वो बच्ची गायब हो गई। जैक एप से कहता है कि ये चीज तो शिप में नॉर्मल होती है। फिर अगले दिन सब लोग जान जाते हैं कि शिप में एक बहुत बड़ा हॉल हो चुका है जिसकी वजह से शिप को यहाँ से खींच कर नहीं ले जा सकते हैं। फिर वो लोग शिप में जाकर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। फिर सब लोगों के साथ कुछ एबनॉर्मलिटी होने लगती है। एप्स खाली स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर उसे खाली गोलियां मिलती हैं और वो सारी गोलियां यूज करी होती हैं। जब वो पुल से बाहर आ रही होती है तब उसे केटी दिखाई पड़ती है जिससे वो डर जाती है। डर की वजह से वो खाली स्विमिंग पूल में ही गिर जाती है जिससे उसके सिर से थोड़ा ब्लड निकलता है। तभी स्विमिंग पूल उसके ब्लड को चूस लेता है। जैक वहां पर आकर एप्स को बाहर निकालता है। ये लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी स्विमिंग पूल खून से भर जाता है जिसमें लाशें तैर रही होती है। लीडर को कैप्टन रूम में उसे एक शराब का गिलास मिलता है। लीडर उसे पीने की कोशिश करता है तब उसे शीशे में कैप्टन की आत्मा दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ ग्रुप के एक आदमी को गाने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो उस गाने का पीछा करता है लेकिन जहां से वो आवाज आ रही थी वहां पे
तक कोई भी नहीं होता। तब वहां पर हमें एक सिंगल लेडी का भूत दिखाई पड़ता है। ये वही सिंगल लेडी होती है जो 1962 में गाना गा रही थी। जैक और एप्स एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी तैर रही होती है और बहुत सारी डेड बॉडी गल गई होती है। ये दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं, तभी एप्स जैक से कहती है कि अब मैं इस शिप में एक मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती। तभी उसकी नजर कुछ बॉक्स पे पड़ती है जिसमें सोना ही सोना होता है। एप्स अपने बाकी साथियों को बुला लेती है। वहाँ पर टोटल 10 बॉक्स होते हैं।